Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous lecture, we discussed SLO number 9.2.5, जिसमें हमने increment और decrement पे बहुत ज्यादा अच्छे से discuss किया और different type के questions निकाल के मैंने आपको कहा था guess करें, comment करें वगैरह वगैरह. If you want that lecture, then आप description में जाके पूरे playlist को देख सकते हैं. साथ ही साथ कोई confusion हो तो आप मेरे से contact कर सकते हैं. और एक मैंने question आपके सामने रखा था last lecture में increment और decrement के हवाले से. That was this question, okay? इसे अगर मैं run करूँ तो मेरे पास output जो है वो ये आ रहा है. और इस आउटपुट में आने की वजह क्या थी ये मैं पूछ रहा था. सो आप वापस से इस क्वेश्चन को जरा देख लें, आपके समझ में आ रहा है तो मुझे बता दें. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स. पहली चीज, कुछ बच्चे स्टिल कंफ्यूज होंगे ये रन कैसे हो रहा है, हमने तो 2 बार प्लस भरा है, 3 बार प्लस क्यों लगाया. और कुछ बच्चे होंगे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत क्लियर होंगे, वो थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे. चलो एक चीज, आपके पास 78 क्या है, ए की वैल्यू है और मेरे पास सेकंड वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है ए. ए में क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है. बी जो है वो 45 है और वो थर्ड वैल्यू मैंने रखी हुई है. थर्ड वैल्यू 45 सेम आ रही है, 45 में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो SLO है उसे स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको ये समझाया था, कंपाइलर ऑलवेज चेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पी पड़ेगा, आर पड़ेगा, आई एन टी एफ, देन ब्रैकेट ओपन पड़ेगा, देन ये कोमा पड़ेगा, पर्सन डी, इस तरह से लेफ्ट टू राइट पढ़ता जाएगा. देन कंपाइलर यहाँ पे पहुंच गया. ओके अब कंपाइलर इस कोमा के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी इसे उसे है ना इस पर्सन डी के हवाले करेगा, मतलब पर्सन डी को उसकी वैल्यू देगा. तो कंपाइलर क्या करेगा, ए. ओके ए को यूज करेगा. तो ए आपके पास क्या है, 78. ओके तो उसके बाद एक 2 बार प्लस प्लस आ रहा है तो कंपाइलर ने 78 को यूज कर दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया है. अब ए की वैल्यू क्या है, 79 हो चुकी है. देन कंपाइलर ने देखा एक 2 बार प्लस प्लस है एंड आखिर में मतलब उसने इंक्रीमेंट कर दिया, देन इसे थर्ड प्लस नजर आता है. तो ये थर्ड प्लस समझ जाता है, ये थर्ड प्लस जो वो एडिशन का काम करेगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है. ओके आपके पास ये दो जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये वाला जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है. तो कंपाइलर ने क्या किया, ए में इंक्रीमेंट तो कर दिया लेकिन यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो क्या होगा, ए की वैल्यू जो 78 है जो इंक्रीमेंट से पहले वैल्यू थी वो यूज होगी. तो 78 प्लस 45 किया तो 78 प्लस 45 आपके पास होता है 123. तो आपके पास 123 इसकी जगह पे प्रिंट होगा. देन हमने कहा ए में इंक्रीमेंट हो रहा था तो ए आपके पास 79 हो गया और बी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था तो 45 सेम प्रिंट हो गया. आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों का पहले से ही क्लियर होगा एंड जिन जिन का क्लियर नहीं था और अब हो गया है तो काइंडली इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी तक नहीं किया लाइक कर दो वीडियो को अभी से ही बिकॉज आगे बहुत मजा आने वाला है. सो विद दिस आपका SLO नंबर जो हम पहले कवर कर चुके हैं बस इसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको. सो आज बेसिकली आपका लेक्चर नंबर जो है दैट आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.2.6. ये भी एप्लीकेशन बेस्ड SLO है. कह रहा है कि यूज द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स इन अ सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम के अंदर ये ऑपरेटर्स को यूज करना है. ये बेसिकली आपके पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. ओके तो एक ये वाली साइन होती है लेस देन की, ये वाली साइन आपके पास होती है ग्रेटर देन की. ओके
और कंप्यूटर में हम लिखते हैं, मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं ना लेस देन इक्वल टू, तो कंप्यूटर में भी हम वही लिखते हैं लेस देन इक्वल टू, लेकिन कुछ इस तरह से लेस देन इक्वल टू की साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लिखते हैं ग्रेटर देन उसके बाद इक्वल टू की साइन। और हमने दो बार अगर इक्वल टू की साइन लगाई तो उसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि इक्वल टू मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं। ओके और एक और हमारे पास है नॉट इक्वल टू, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनमें हम कंपेयर करते हैं, और ये ऑपरेटर्स आपके पास अक्सर जो है ना कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे कंडीशंस क्या होती हैं। सो पहले हम इसे स्टार्ट करें एंड समझें है ये क्या ये और कैसे यूज करते हैं। सो मेरे पास ए और बी जो क्रिएटेड है मैं उन्हें यूज कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं आपके पास कंप्यूटर में क्या होता है बाइनरी। ओके मैं इसे मल्टीपल कमेंट लाइन में लगा रहा हूँ, तो आपके पास कंप्यूटर क्या समझता है बाइनरी लैंग्वेज। ओके बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज, ओके जिसे आप मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ये क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज, और कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता है। और इसमें क्या होता है जीरो होता है और वन होता है आपके पास, और जीरो और वन होते हैं आपके पास इस लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर या तो जीरो समझेगा या तो वन समझेगा। इन केस अगर वन है, सही अगर वन है तो कंप्यूटर समझता है कंडीशन या जो बात है वो ट्रू है, या बात जो कह रहा है वो राइट है, मतलब वो पॉजिटिव लेगा। और जीरो है तो उसका मतलब जो बात हम कह रहे हैं वो आपके पास फॉल्स है, या वो रॉन्ग है। ओके अब ये फॉल्स रॉन्ग आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो मैं आपको जरा आगे समझा देता हूँ। मैं प्रिंट एफ ले रहा हूँ, पर्सन डी लूंगा, ओके देन मैं कॉमा लूंगा और मैं कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो ऐसा ही है 78 ग्रेटर देन होता है 45 से। हाँ भाई ऐसा ही होता है, ट्रू है 78 इज ग्रेटर देन 45, सो कंडीशन ट्रू है तो आपके पास आउटपुट में वन आएगा। सो लेट्स रन एंड चेक, वन आपके पास आउटपुट में आ गया है, कंडीशन इज ट्रू। यहीं पे अगर मैं लिखूं ए इज लेस देन बी, मतलब 78 जो है वो 45 से छोटा होता है, सो ये लॉजिक की बात है भाई, 78 45 से बड़ा होता है छोटा नहीं होता, देयरफॉर दिस कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स कंडीशन तो आपके पास कंप्यूटर क्या दिखाएगा जीरो, जीरो आ गया आपके पास। ओके तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स का पता चल गया, कंडीशंस ट्रू होंगी तो कंप्यूटर आपके पास आगे का काम करेगा, कंडीशंस फॉल्स होंगी तो कंप्यूटर आपको जीरो दिखाएगा। ओके तो आपके पास एक कंडीशंस का काम होता है। अब एक और चीज मैं कहता हूं कि ए जो है वो या तो बी से छोटा है या तो बी से बड़ा है। ओके तो हम देख सकते हैं 78 जो है वो बी से छोटा है क्या, नहीं, तो कंप्यूटर चेक करेगा इज ए लेस देन बी, मतलब इज 78 लेस देन बी, भाई ऐसा नहीं होता, तो वो चेक करेगा क्या ए इक्वल टू बी है, मतलब क्या 78 इज इक्वल टू 45, तो नो, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रहे हैं तो वापस आपको जीरो दिखाएगा। ओके वहीं पे अगर मैं ऐसे 45 को 78 कर दूं, ओके तो कंप्यूटर चेक करेगा इज ए लेस देन बी, मतलब क्या 78 से छोटा है, तो नहीं, देन कंप्यूटर चेक करेगा इज ए इक्वल टू बी, क्या 78 के इक्वल है, हाँ भाई 78 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अब कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास वन आ जाएगा आउटपुट में। आगे बढ़ते हैं, हमने लेस देन इक्वल टू को यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करते हैं। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप देखें 78 से बड़ा है, नहीं 78 के इक्वल है, हाँ, तो कंडीशन आपके पास अभी ट्रू है। ओके यहाँ पे बी की प्रीवियस वैल्यू जो 45 थी वो रखें, तो कंप्यूटर चेक करेगा
इज ए ग्रेटर देन बी, हाँ ए बी से बड़ा होता है, तो वो दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा जब पहली कंडीशन फॉल हो गई. ओके तो यहाँ पे आपके पास वापस वन आ जाएगा बिकॉज ए जो है वो बी से बड़ा होता है. यहाँ पे कुछ एरर है, रिमूव इट एंड अगेन मैं रन कर रहा हूँ F11 दबा के. तो ए इज ग्रेटर देन बी मतलब 78 जो है वो 45 से बड़ा होता है. तो आपने लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यूज कर दिया. देन एक और चीज आ जाती है. अब मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो बी के बराबर है मतलब 78 45 के बराबर है. सो लॉजिकली देखें, मैंने गलत लिखा है, गलत इंस्ट्रक्शन दिए, कंप्यूटर आपको दिखाएगा जीरो. F11 दबाओ और आपको जीरो दिखाएगा. ओके बिकॉज 45 जो वो 78 के बराबर नहीं होता. यहीं पे मैं लिखूंगा 78 के इक्वल होता है, हाँ भाई होता है, तो कंडीशन आपकी 42 है और 1 दिखाएगा आपको. ओके आगे बढ़ते हैं. आगे आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू, सही है. तो मैं ऐसा करूं, ए इज नॉट इक्वल टू बी. मैं कह रहा हूं कि 78 जो है वो 78 के बराबर नहीं होता, तो जाहिर बात है ये कंडीशन में जो रख रहा हूं वो गलत है, तो आपको कंप्यूटर दिखाएगा जीरो. यहीं पे मैं बी की प्रीवियस वैल्यू जो थी 45 वो रखूं, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी बिकॉज 78 जो है वो 45 के बराबर नहीं होता, ट्रू हो गई. मतलब यहाँ पे मैं बी की वैल्यू 78 की जगह कुछ और रखूं तो मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी और वन आएगा. तो मैं 45 को देखा तो वन आ रहा है, मैं 79 भी रखूं तो वन आ रहा है बिकॉज कंडीशन ट्रू हो रही है. 78 के अलावा मैं कोई भी नंबर रखूंगा तो मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी. ओके तो आपके पास ये जो 6 ऑपरेटर्स हैं इनको मैंने सिंपल तरीके से यूज करके दिखाया है. यहां तक मैं इनका यूज बस यहीं तक ही रखूंगा. इनका यूज जो बेसिकली आगे आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, जहां पे आप कंडीशंस दे रहे होंगे. ओके इफ स्ट्रक्चर सीखेंगे, इफ एल्स सीखेंगे, एल्स इफ भी सीखेंगे आप, स्विच वगैरह जो भी सीखेंगे उनमें आप ये यूज करेंगे. ओके हालांकि स्विच में यूज नहीं होता ये, बहरहाल वो आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे यूज होता है कहाँ पे नहीं. यहाँ तक आप इतना ही अभी हजम कीजिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो आप आगे कुछ और एग्जांपल्स करें. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर्ड है, तो आप क्यूरीज भी पूछ सकते हैं, जो आप अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी मुझे भेज सकते हैं. ओके साथ ही साथ आज का क्वेश्चन मैं देता चलूं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सी इज सी के अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. ए इज ग्रेटर देन बी. ओके और जो मैं बी में वैल्यू दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 78 और ए में वैल्यू दे रहा हूँ 78.1. ओके और यहाँ पे मैं ना अच्छा एक और चीज़, मैंने सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी करना है अदरवाइज एरर आ जाएगा. तो इट इज योर होमवर्क के आउटपुट गैस करके मुझे बताएं. हो ये रहा है इंटीजर डेटा टाइप है, ए के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है, बी के अंदर वैल्यू स्टोर की है, सी को डिक्लेयर किया है. देन सी में मैंने वैल्यू असाइन की है कि ए इज ग्रेटर देन बी. ओके यहाँ पे एक एरर है, मैंने सेमी कॉलन लगाना भूल गया. तो ए इज ग्रेटर देन बी, मैं कह रहा हूँ ए जो वो ग्रेटर देन होता है बी के. तो इस कंडीशन के लिहाज से मुझे बताएं आउटपुट में वन आएगा या जीरो आएगा या कोई एरर आएगा. सो विद दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो लेक्चर एंड आई होप आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे. एंड क्लियर हैं तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें वीडियो को, एंड जिस बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली डू सब्सक्राइब इट, लाल बटन दबा दो. दबा दिया. Thank you so much. Be blessed.